अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नाम उस्मान और आप देख रहे हैं साहिबुल इमाम। तो आज मैं आपको तीन ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो इंसान के मरने के बाद भी काम आती रहती है। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो दुनिया की कोई चीज़ उसके काम नहीं रहती, उसके काम की नहीं रहती, उसके काम नहीं आती। लेकिन आज मैं आपको तीन चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि मरने के बाद भी इंसान के वो काम आती रहती हैं। इसलिए शुरू करते हैं। तो पहला सदका जारिया, यानी कि ऐसा सदका जो उसके मरने के बाद भी लोगों के काम आता रहे। जैसे उसने कहीं पर अस्पताल खुलवा दिया, उसमें फ्री का लोग मरीजों का इलाज होता है, लोगों का इलाज होता है, तो जब तक उसमें इलाज होता रहेगा लोगों का फ्री का, जब तक उसको उसका स्वाब जाता रहेगा। या उसने कहीं पे कोई कुआं खुदवा दिया, कहीं पे कोई नलका लगवा दिया, तो जब तक उसका पानी लोग पीते रहेंगे तो उसको उसका स्वाब जाता रहेगा, चाहे उम्र भी जाए, जब भी उसको उसका स्वाब जाता रहेगा। और दूसरा ऐसा इलम कि जो उसने लोगों को सिखाया, जो उसको नफ़ा देता रहे, यानी कि वो इलम जो लोगों को सिखाए और फिर वो अच्छा इलम हो, यानी कि कोई ऐसा इलम जो दीनवी इलम हो, दीन का इलम हो, और वो आगे लोग जो जिनको उन्होंने सिखाया तो फिर वो आगे उसको सिखाते रहे, उसके शागिर्द भी आगे सिखाएं। तो जब तक वो जो इलम उसने सिखाया है, जब तक वो लोग सिखाते रहेंगे, उसके शागिर्द आगे सिखाते रहेंगे, जिनको उन्होंने सिखाया वो आगे सिखाते रहेंगे, तो जब तक उसको स्वाब जाता रहेगा, जब तक उसका इलम आगे पहुँचता रहेगा, सिखाया जाता रहेगा, जब तक उसको स्वाब, जब तक वो मर भी जाए, जब तक उसको स्वाब जाता रहेगा उसका। और तीसरा कि वो औलाद जिस जो नेक हो और उसके लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, यानी कि ऐसी औलाद कि उसको उसने नेक बनाया, अच्छी तरह पढ़ाया, अच्छे इलम सिखाया, नेक इलम सिखाया और नेक बनाया, तो और अपना फर्मा बरदार बनाया, तो ऐसी औलाद तो जब वो उसके लिए दुआ करेगी, उसको पढ़ के बख्शेगी, तो वो उसके मरने के बाद उसको स्वाब जाता रहेगा। उसके मरने के बाद उसको पढ़ के बख्शती रहेगी उसकी औलाद, उसके लिए दुआ करती रहेगी, तो उसको स्वाब जाता रहेगा। तो ये तीन चीज़ें, तीन अमाल हैं जो मरने के बाद ही बाकी रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों पर अमल करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।